SN लाइव सच सबसे आगे। सिवान के तरवारा चाड़ी बाजार में लूट के दौरान स्वर्ण व्यवसायी की हत्या को लेकर दुकानदारों ने दुकान बंद कर की आगजनी। मौके पर पहुंचे एसपी। 2018 में हुई थी कपड़ा दुकानदार की हत्या और हार्डवेयर दुकानदार हुआ था घायल। दुकानदारों ने उस समय उठाई थी सुरक्षा की मांग। पोस्टमार्टम के बाद सिकंदरपुर गाँव में शव पहुँचते ही मचा कोहरा। जीबी नगर थाना क्षेत्र के चाड़ी बाजार में शुक्रवार की दोपहर में हथियारों से लैस अज्ञात 6 की संख्या में बदमाशों ने ज्वेलर्स की दुकान में 10 लाख से अधिक की सोने व चांदी की गहना एवं नकदी की लूट कर ली और जाते समय दुकान के संचालक सिकंदरपुर निवासी आकाश कुमार सोनी एवं किराना दुकान के संचालक पिंटू कुमार की गोली मार दी और उक्त घटना में आकाश कुमार सोनी की मौत घटना स्थल पर हो गई, जिसको लेकर दुकानदारों ने शनिवार को बाजार की सभी दुकान बंद कर दी और तरवारा हरिहरपुर मुख्य सड़क को जाम कर बदमाशों की गिरफ्तारी और दुकानदारों की सुरक्षा की मांग करने लगे। सड़क जाम की खबर पर एसपी श्री शैलेश कुमार, एसडीपीओ सदर फिरोज आलम, इंस्पेक्टर मुफज्जिल सर्किल जयप्रकाश पंडित, महाराजगंज थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार सिंह, थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार बड़हरिया, जामो बाजार गोरैया कोठी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आक्रोशित दुकानदार एवं ग्रामीणों को घटना में शामिल सभी बदमाशों को गिरफ्तार कर न्याय दिलाने और दुकानदारों की हर संभव सुरक्षा मुहैया करवाने का आश्वासन देकर जाम हटवाया। पोस्टमार्टम के बाद सिकंदरपुर गाँव में शव पहुँचते ही मचा कोहरा। जीबी नगर के सिकंदरपुर में पोस्टमार्टम के बाद आकाश कुमार सोनी का शव पहुंचते ही स्वजनों में कोहराम मच गया। मृतक के दरवाजे पर काफी संख्या में लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। मृतक की मां बसंती देवी, पिता हरेराम सोनी, भाई सुनील सोनी एवं राकेश सोनी, पत्नी प्रिया देवी समेत अन्य स्वजनों के हृदय विदारक चित्कार से माहौल गमगीन हो गया। आसपास के ग्रामीण स्वजनों को ढांढस बंधा रहे थे। वही मृतक आकाश सोनी को एक साथ मां की पुत्री है, उसके सिर से पिता का साया छिन गया। 2018 में हुई थी कपड़ा दुकानदार की हत्या और हार्डवेयर दुकानदार हुआ था घायल। दुकानदारों ने उस समय उठाई थी सुरक्षा की मांग। जनवरी 2018 में जीबी नगर थाना क्षेत्र के चाड़ी बाजार से हार्डवेयर और कपड़ा की दुकान बंद कर मोटरसाइकिल से दो सगे भाई आनंदी सिंह एवं श्रीकांत सिंह अपने घर जामो बाजार थाना क्षेत्र के भोपतपुर लौट रहे थे। तभी पूर्व से घात लगाए बाइक सवार हथियार बंद बदमाशों ने विनोद मोड़ के पास में रुपए लूटने का प्रयास करने लगे। लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने दोनों भाई को गोली मारकर घायल कर दिया। उक्त घटना में कपड़ा दुकानदार श्रीकांत सिंह की इलाज के दौरान पटना में मौत हो गई। उक्त घटना में भी दुकानदारों ने विरोध करते हुए दुकान बंद कर सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन प्रशासन द्वारा अभी तक दुकानदारों की कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की गई, जिससे आज भी दुकानदारों को बदमाश अपनी निशाना बनाते हुए लूट की घटनाओं का अंजाम देकर हत्या कर रहे हैं। सिवान से एसएन लाइव के लिए परवेज अख्तर की रिपोर्ट। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स